नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात विधानसभा चुनाव पर सबसे बड़ा शो किस्सा कुर्सी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। गुजरात से आज एक बड़ी खबर सामने आई। एक सीडी ने गुजरात के सियासी रण में भूचाल मचा दिया है। सीडी में दिखता है एक शख्स और कथित तौर पर यह शख्स हार्दिक पटेल बताया जा रहा है। हालांकि इंडिया न्यूज इस सीडी की पुष्टि नहीं करता। सीडी का सच क्या है यह जांच का विषय है, लेकिन गुजरात के चुनाव में सीडी के जरिए डर्टी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। एक सीडी ने गुजरात की सियासत में भूचाल ला दिया है। इस सीडी के वीडियो में एक शख्स दिख रहा है और एक महिला नजर आ रही है। इसमें जो शख्स दिखाई दे रहा है उसके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो गुजरात के नौजवान पाटीदार नेता हार्दिक पटेल है। इस सीसीटीवी वीडियो में नीचे एक तारीख भी नजर आ रही है जिसमें तारीख है 16 मई 2017 और जो वक्त है वो रात 9:17 का है। अब आपको बताते हैं कि वीडियो में क्या नजर आ रहा है। देखिए, इस वीडियो में दिखता है कि हार्दिक पटेल की कद काठी का एक शख्स हाफ पैंट और टी शर्ट पहने हुए फ्रेम में आता है और उसी के साथ एक महिला भी आती है जो बेड पर बैठ जाती है। इसके बाद ये शख्स भी महिला के बगल में बेड पर बैठ जाता है और फिर दोनों कुछ बातें करते हैं। इसके बाद कमरे की लाइट बंद हो जाती है, लेकिन वो सब तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते। हार्दिक पटेल ने इस वीडियो को बीजेपी की चाल बताया। उन्होंने कहा, अगर इस वीडियो में वो हैं, तो सीना ठोक कर मंजूर करेंगे। मैं यही बोल रहा हूँ, अगर मुझे समझ में आ जाएगा, अगर मैं हूँ तो मैं खुलेआम बोल दूंगा, उसमें छुपाने वाली बात नहीं है। अगर समझ में आ जाएगा तो खुलेआम बोलूंगा, कभी छुपाऊंगा नहीं। जो करता हूँ छाटी ठोक कर करता हूँ, जवान कड़वी है, जो बोलता हूँ कड़वा बोलता हूँ। पूरा प्री प्लानिंग चल रहा है कि अभी ये किया, पुतले जलेंगे, तो कोई दिक्कत वाला मामला नहीं। ऐसा चलता रहेगा, लड़ाई जारी रहेगी, मजबूती से जारी रहेगी। जिसको जो करना है कर ले, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले, छाती ठोक कर भाजपा के सामने लड़ेंगे। हार्दिक ताल ठोक कर दावा कर रहे हैं कि ये सीडी डॉक्टर्ड है और वो इस लड़ाई को जारी रखेंगे। वहीं दूसरी ओर सीडी को जारी करने वाले अश्विन ने हार्दिक को 4 दिन का वक्त देते हुए कहा है कि वो जल्दी ही हार्दिक के कुछ और करीबी साथियों की सीडी रिलीज करेंगे। हार्दिक अपना जो सफाई देनी है वो 4 दिन के अंदर, मैं उसको टाइम देता हूँ कि 4 दिन के अंदर वो अपनी ये वीडियो सही है या नहीं, तो उसके ऊपर वो कायदे सर का जो भी एक्शन ले सकता है वो लेने के लिए वो छूट है उसको। लेकिन 4 दिन के बाद मेरे पास हार्दिक की टीम के अन्य कार्यकर्ता जो पास के कन्वीनर है उसके भी पुरावे, दावे के साथ में जो ओरिजिनल पुरावे है वो ऑडियो के माध्यम से और जो भी है मेरे पास, वो 4 दिन के बाद मैं समाज के सामने रखूंगा। एक और हार्दिक की सफाई है तो दूसरी ओर उन पर बढ़ते आरोप। ऐसे में कुछ सवाल तो उठते ही हैं कि ये सीडी आखिर चुनाव के वक्त ही क्यों सामने आई। सीडी का सच क्या है, इसमें दिख रहा शख्स कौन है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन एक बात तय है कि गुजरात के चुनावी संग्राम में अब डर्टी पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। अरविंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हम एक बार फिर से साफ कर दें कि हम यानी इंडिया न्यूज इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा कि इस वीडियो में दिख रहा शख्स हार्दिक पटेल है या नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि गुजरात में सियासत जो है वो लगातार नीचे की तरफ जा रही है, गिरती जा रही है। एक